हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज हम जानने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कहाँ इसका यूज़ होता है और बेसिकली कौन कौन से लॉजिक गेट्स का हम यूज़ करते हैं और उनकी फंक्शनैलिटी आज हम देखेंगे कि उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि लॉजिक गेट्स हैं क्या। लॉजिक गेट एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जिनमें कुछ इनपुट पास किया जाता है और एक स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या डिजिटल डिवाइस में जब हमें कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम इन्हीं लॉजिक गेट्स का यूज करके उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो कई बार इन अलग अलग तरह के लॉजिक गेट्स को कंबाइन करके भी सर्किट्स बनाए जाते हैं और अलग अलग तरह के लॉजिकल ऑपरेशंस इनसे परफॉर्म किए जाते हैं। इन लॉजिक गेट्स के ऑपरेशन को दिखाने के लिए ट्रुथ टेबल या बुलियन अलजेब्रा का यूज़ किया जाता है। बुलियन अलजेब्रा हम आगे के वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ ट्रुथ टेबल के थ्रू इन लॉजिक गेट्स के फंक्शनैलिटी को जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 7 लॉजिक गेट्स होते हैं और इनके अलावा भी लॉजिक गेट्स होते हैं, तो इन गेट्स को कंबाइन करके नए तरह के सर्किट्स डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये हमारा है एंड गेट, और गेट, नॉर, एक्सऑर, नैंड, नॉर, एक्स नॉर, ये सारे गेट्स आज हम देखने वाले हैं कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम जानते हैं कि हमारा इनपुट या तो हाई होता है या लो होता है, यानी हाई यानी 1 एंड 0 यानी लो। तो 1 का मतलब क्या होता है, ऑन, और 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ। तो सिग्नल या तो 1 में पास हो सकता है या 0 में। तो एंड गेट को आज हम अभी देखने वाले हैं। तो एंड गेट ऐसा गेट है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट पास किए जाते हैं लेकिन आउटपुट एक ही प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं ये शेप होता है एंड गेट का, और ये दोनों क्या है, ए एंड बी, ये इनपुट सिग्नल है। इन इनपुट सिग्नल की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। यहाँ हमने 2 इनपुट पास करके दिखाया है। इसी तरीके से आप 3 इनपुट पास करना चाहते हैं तो यहाँ तीसरा इनपुट भी पास कर सकते हैं, सपोज सी। तो तीनों के कॉम्बिनेशन, क्या क्या कॉम्बिनेशन होने पर क्या हमारा आउटपुट आएगा, ये हमें यहाँ चेक करना है। और ये हमारा ट्रुथ टेबल है। अभी हमने बात की थी ट्रुथ टेबल की, तो ये ट्रुथ टेबल है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि अगर इनपुट ए की वैल्यू ये हो, इनपुट बी की वैल्यू ये हो, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। यानी ए एंड बी हमारा क्या है, ये दोनों इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो दोनों के अलग अलग वैल्यूज रख के हम देख सकते हैं कि उसका आउटपुट क्या होगा। एंड गेट, एंड गेट में हम कितने भी नंबर ऑफ इनपुट पास कर सकते हैं और आउटपुट हमारा एक रहता है। और ट्रुथ टेबल में हम इसके सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं और उसका आउटपुट क्या होगा। तो एंड गेट में जब सारे इनपुट सिग्नल अगर हाई हो या 1 हो, यानी जितने भी हम इनपुट पास कर रहे हैं सभी पे सिग्नल हाई जा रहा है या 1 जा रहा है, तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। एक भी इनपुट अगर 0 हो तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 0। जैसा कि हम इस ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं, सबसे पहले ए और बी की अलग अलग वैल्यूज रख के देखें, क्योंकि यहाँ 2 इनपुट सिग्नल हैं तो दोनों से पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 ही बन सकते हैं। अगर 3 इनपुट पास करें तो हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 8। 4 इनपुट पास करें तो हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन 16 बन सकते हैं। तो इसी तरीके से ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इनपुट्स पे। मिनिमम हमारे 2 इनपुट्स होने चाहिए एंड गेट में। तो यहाँ देखें कि अगर ए की वैल्यू 0 हो और बी की वैल्यू 0, तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, 0। हमने पहले भी कहा था एक भी इनपुट सिग्नल अगर लो हो या 0 हो तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0। इसी तरीके से अगले में देखें तो ए की वैल्यू क्या है, 1, और बी की वैल्यू है 0। तो दोनों में बी की वैल्यू क्योंकि 0 है तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0।
इसी तरीके से ए की वैल्यू अगर 0 हो और बी की वैल्यू 1 हो तो हमारा आउटपुट 0 होगा। यानी हमें 1 कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट हाई हो। तो एक ही कंडीशन है जब दोनों इनपुट हाई है हमारा, जहां हमें 1 मिल रहा है। तो जब ए और बी दोनों में हम 1 पास करेंगे तब हमें यहाँ आउटपुट 1 मिलेगा। अगर एक भी इनपुट लो हो गया या 0 हो गया तो हमें आउटपुट 0 ही मिलने वाला है। तो ट्रुथ टेबल यही है कि जितने इनपुट्स हैं उनके क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं और किस कॉम्बिनेशन पर हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ट्रुथ टेबल यही बताता है। तो चलिए अगला देखते हैं, OR गेट। OR गेट का सिंबल देख सकते हैं, AND गेट से अलग है। तो आपको इन गेट्स के शेप्स भी याद रखने हैं कि किस गेट में कौन सा शेप यूज होता है। तो OR जैसा नाम से पता चलता है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो या एक भी इनपुट सिग्नल की वैल्यू हाई हो तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, हाई मिलता है। यह भी AND गेट की तरह दो या दो से अधिक इनपुट एक्सेप्ट करता है लेकिन एक ही आउटपुट देता है। और यहाँ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम देख सकते हैं कि यहाँ 0 तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट लो हो, यानी ए की भी वैल्यू लो हो बी की भी वैल्यू लो हो तभी हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। नहीं तो कोई भी इनपुट अगर हाई हो तो हमें क्या मिलने वाला है, 1। या तो दोनों इनपुट हाई हो या कोई भी एक इनपुट हाई हो तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। यानी ये सभी कंडीशन में 1 प्रोड्यूस करता है, सिर्फ अगर दोनों इनपुट 0 हो तभी यह 0 देता है। तो हमें शेप याद रखना है, 3 इनपुट भी पास कर सकते हैं, 4 इनपुट भी पास कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है, AND गेट को लॉजिकल ऑपरेशन डॉट से रिप्रेजेंट करते थे जबकि OR गेट को लॉजिकल ऑपरेशन प्लस साइन से डिनोट करते हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें ए और बी पर AND ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, यानी ये AND को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमें OR ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करना है तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो प्लस साइन OR ऑपरेशन को डिनोट करता है और डॉट साइन AND ऑपरेशन को डिनोट करता है। अब हमारा अगला गेट है नॉट गेट। नॉट गेट इनसे अलग है, इसमें सिर्फ 1 इनपुट पास होता है और 1 आउटपुट मिलता है। यहाँ देख सकते हैं सिर्फ एक ही इनपुट यहाँ जा रहा है और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। तो यह नॉट गेट का साइन है या सिंबल है। तो इसका काम क्या होता है, ये जो भी इसमें हम इनपुट देते हैं उसको ये रिवर्स कर देता है। जैसे यहाँ इनपुट अगर हम 0 दे रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1। और इनपुट अगर हम 1 पास कर रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा, 0। तो इस गेट को हम इनपुट को रिवर्स करने के लिए यूज करते हैं और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन बार साइन से। यानी जैसे अगर यहाँ ए है, इनपुट हमारा ए है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी इस पर हम बार लगा देंगे। फिर अगला है हमारा XOR गेट या एक्सक्लूसिव OR गेट। तो यह लॉजिकल OR गेट की ही तरह है। जैसे हमने लॉजिकल OR गेट में बात की थी कि इसका आउटपुट कब 1 आता है, जब कोई भी इनपुट सिग्नल 1 हो। लेकिन यह एक्सक्लूसिव OR गेट है तो इसमें भी दो या दो से अधिक इनपुट पास हो सकते हैं। और इसको साइन देख सकते हैं आप, यहाँ एक और लाइन बनी है जो डिनोट करता है एक्सक्लूसिव OR गेट को। XOR गेट के बिहेवियर की बात करें तो यह कैसे बिहेव करता है, यह कब 1 प्रोड्यूस करता है, जब इसमें इनपुट में अगर ऑड नंबर ऑफ 1 हो तो यह 1 प्रोड्यूस करता है। जैसे यहाँ देखें, यहाँ 1 नहीं है तो यहाँ आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। ए एंड बी दोनों की वैल्यू अगर ये पास करें, बी की वैल्यू क्या है, 1। यानी इन दोनों इनपुट में सिर्फ एक ही 1 है, यानी नंबर ऑफ 1 कितने हैं, ऑड।
तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा, ऑड। यहाँ भी वही बात है, ए की वैल्यू 1 है, बी 0 है, तो ये 1 दे रहा है। लेकिन दोनों इनपुट सिग्नल हाई है, ए और बी दोनों में 1 पास हो रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ 1 ऑड नहीं है, ये क्या हो गया, इवन, तो ये क्या देगा, 0। तो इसी तरीके से अगर तीन इनपुट हो तब हमें नंबर ऑफ 1 देखना है कि ऑड है या इवन है। ऑड हो तो यह 1 प्रोड्यूस करेगा, इवन हो तो यह 0 प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें भी आप एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा इनपुट कितने भी पास कर सकते हैं। तो यह हो गया हमारा एक्सक्लूसिव ऑर गेट। बिहेवियर में चेंज कहाँ है ऑर में, ऑर में यहाँ भी 1 प्रोड्यूस होता था, लेकिन यहाँ क्या है, जब ऑड नंबर ऑफ 1s हो इनपुट में तभी ये 1 प्रोड्यूस करता है। और इसको इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हमारा इनपुट है ए, इसको एक्स और पढ़ा जाता है, ए एक्स और बी, यानी यहाँ एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब अगला है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट एक्चुअली कॉम्बिनेशन है नॉट गेट एंड एंड गेट का। तो एंड गेट के आगे यहाँ देख सकते हैं ये नॉट का सिंबल लगा है, ये जो सर्कल है ये नॉट का सिंबल कहलाता है, ये हमारा एंड गेट है। एंड के आउटपुट को अगर हम रिवर्ट कर दें या उल्टा कर दें तो हमें नैंड गेट का बिहेवियर मिल जाएगा। तो एंड गेट में हमने क्या देखा था, यह कब प्रोड्यूस करता था, जब दोनों इनपुट, दो या दो से अधिक जितने भी इनपुट हैं वह 1 है तो यह 1 प्रोड्यूस करता था। लेकिन यहाँ इसका उल्टा है, अगर यहाँ देख सकते हैं ए और बी दोनों की वैल्यू क्या है, हाई या 1 है, तो यह आउटपुट क्या दे रहा है, 0। जबकि एंड गेट में हमें क्या था, सिर्फ यही 1 मिलता था और बाकी सारे कॉम्बिनेशन पर ये 0 0 0 प्रोड्यूस करता था, अगर हमारा इनपुट सिग्नल इस तरीके से पास हो रहा हो तो। लेकिन एंड के आउटपुट को यह रिवर्स कर दे रहा है, तो यह नैंड गेट है। और इसको यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। नैंड और नॉर गेट होता है जिसे आगे हम देखेंगे, ये दोनों यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके थ्रू किसी भी तरह के सर्किट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और नैंड गेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए ए नैंड बी। फिर अगला नॉर गेट, ये भी यूनिवर्सल गेट है। यहाँ देख सकते हैं ये और गेट है हमारा, और गेट के आगे यहाँ नॉट लगा है, नॉट गेट का यूज हुआ है, तो इसलिए यह कहलाता है नॉर गेट। तो यह और गेट के जो आउटपुट है या रिजल्ट है उसको रिवर्स कर देता है। तो यहाँ भी हमारा इनपुट दो या दो से अधिक कितने भी हो सकता है, आउटपुट 1 मिलता है। और अगर और गेट को याद करें तो वहाँ क्या था कि कोई भी इनपुट अगर हाई है तो हमें 1 मिलता था, यानी ए बी की इन वैल्यू पर देखें तो और गेट में हमें क्या वैल्यू मिलती थी, 1 1 1। और 0 कब मिलता था, जब दोनों इनपुट 0 हो। लेकिन यहाँ नॉर गेट में हमें 1 तभी मिलता है जब दोनों इनपुट 0 है, ठीक है। तो ये और गेट का जो बिहेवियर था उसको रिवर्स कर देता है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ लिख रहे हैं हम सी इक्वल टू ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो C क्या है, हमारा आउटपुट है, और A और B क्या है, इनपुट है जिस पर पहले और ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है और फिर उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाया जा रहा है। अब लास्ट गेट है हमारा XNOR गेट। XNOR गेट में क्या होता है, जब सभी इनपुट सेम हो तो यह आउटपुट 1 देता है, लेकिन अगर इनमें इनपुट में चेंज हो तो यह आउटपुट 0 प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर यहाँ हम देखें ए और बी की वैल्यू जहाँ जहाँ सेम है वहाँ यह क्या दे रहा है, 1, और जहाँ
ए और बी की वैल्यू डिफरेंट है वहां यह जीरो प्रोड्यूस कर रहा है, सेम वैल्यू पर यह वन प्रोड्यूस कर रहा है। और एक्स नॉर गेट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ए एक्स नॉर बी। तो अगर आपको यह लॉजिक गेट समझ में आए या इनमें कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। लेकिन फिर भी आपको यह बेसिक लॉजिक गेट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।